हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, यह हमारा दूसरा क्लास है फंक्शनल एनालिसिस का, फोर्थ सेमेस्टर पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी। कुछ यूनिवर्सिटी में जो है फंक्शनल एनालिसिस पूरी तरीके से एक साथ रखा गया है, जिसमें जो है आपका हिल्बर्ट स्पेस, शुरू में जो नॉर्मल इनर स्पेस जो हम लोगों ने पढ़ा था, वो सारी चीज़ें रखा गया है। तो आप टॉपिक पर ध्यान दीजिएगा, यूनिट पर नहीं। तो स्टूडेंट्स, हम जो है पहला जो थ्योरम पढ़े थे उसका नाम था यूनिफॉर्मली बॉन्डेडनेस थ्योरम। तो उसमें जो हमने कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया था वो नॉर्मल लीनियर स्पेस और बॉन्डेड, यूनिफॉर्म बॉन्डेड, इनका कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके प्रूव किया था। उस थ्योरम को दो तरीके से प्रूव कर सकते हैं हम। यूनिफॉर्मली बॉन्डेड का डेफिनेशन को कवर करते हुए भी हम प्रूव कर सकते थे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो जितने हम पढ़ने वाले हैं सभी के सभी जो प्रूफ होंगे वो आपके थर्ड सेमेस्टर में पढ़े गए कॉन्सेप्ट के माध्यम से ही होगा। हालांकि सेमेस्टर अलग हो गया, लेकिन जो आप पढ़ रहे हो एमएससी मैथमेटिक्स, उसमें पिछले क्लास की हर एक जो थ्योरम है, क्वेश्चन है और जो डेफिनेशन है, वो आगे के सेमेस्टर में देखने को मिलता है और उन्हीं के माध्यम से प्रूव करेंगे। इनका इन्फॉर्मेशन कहाँ से आया प्रूव करने का पूछेंगे, लॉजिक पूछेंगे, तो क्या बताएंगे हम लोग। मान लो कहीं पे कंप्लीट प्रूव करना है, कहीं पे हम लोग को मान लो नॉर्मल इनर स्पेस के बारे में, कॉन्सिक्वेंस के संबंध कुछ बात करना है, सभी चीज़ें पहले से पढ़ा गया है। तो थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, बहुत सिंपल है। स्टूडेंट्स, पिछली कक्षा में भी हम लोगों ने ओपन मैपिंग के बारे में जिक्र कर लिया था। लिखने का तरीका थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। ओपन मैपिंग किसे कहते हैं, क्लोज्ड मैपिंग किसे कहते हैं। ओपन मैपिंग वह मैपिंग होता है जिसमें अगर आप डोमेन से ओपन सेट लेके चलते हो तो कोडोमेन भी क्या बनना चाहिए, वो ओपन रहना चाहिए। अर्थात उसके जो स्ट्रक्चर है उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं होना चाहिए। किसी जो है वो मैपिंग जो है कोई भी ओपन सेट को जो है और छेड़छाड़ ना करते हुए उसको कंजर्व रखे, ओपन ही रखे, ये ध्यान में रखना है। वही बातें हम कहें यहाँ पर, ये टोपोलॉजिकल स्पेस हो सकता है, मैट्रिक स्पेस हो सकता है, हिल्बर्ट स्पेस हो सकता है, कोई भी स्पेस हो सकता है। तो मान लेते हैं दो सेट एक्स और वाई है, दोनों नॉन एम्प्टी सेट या फिर कोई स्पेस होगा, तब मैपिंग जो एफ फ्रॉम एक्स टू वाई होगा उसको क्या कहेंगे, ओपन मैपिंग कहेंगे। यदि और केवल यदि, इफ ओनली इफ, या बोलेंगे इफ एवरी ओपन सेट ए ऑफ एक्स हैज ओपन इमेज एफ ऑफ ए इन वाई। अर्थात आपके पास क्या होगा, अगर मैं यहां पर एक्स बनाता हूं एक स्पेस, यहाँ पर वाई बनाता हूँ, तो यहाँ का ओपन सेट का इमेज क्या बनेगा, एफ ऑफ ए यहाँ पर भी ओपन ही बनेगा। तो मैपिंग इस एप को क्या कहा जाएगा, ओपन मैपिंग कहा जाएगा। बस यही सामान्य सी बात आपको लिखनी थी और याद रखना है। अगर क्लोज्ड सेट है तो क्लोज्ड मैपिंग कहलाएगा। ओके, क्लोज्ड रेंज थ्योरम पढ़ेंगे, इसी संबंध में हम आगे बढ़ेंगे। तो वेरी वेरी आईएमपी है, मोस्ट आईएमपी है, सबसे ज्यादा आईएमपी है मैं कह सकता हूं। इसको अच्छे से करके जाइएगा, एग्जाम में हर बार पूछा जा रहा है। पूरा इस यूनिट में लगभग 7-8 थ्योरम होंगे, जिसमें से 5-6 थ्योरम बहुत ज्यादा आईएमपी है, उनको बार बार आप रिविजन करके जाएंगे। एक यूनिट से आता है 16 नंबर का क्वेश्चन, अगर हमारे यूनिवर्सिटी की बात करें तो किसी अलग यूनिवर्सिटी में 10 नंबर का भी आता होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे लिए ये जो है 32 नंबर का यूनिट है, पूरा मिला के मैं एक बार कवर कर रहा हूँ। मतलब बीच में मैं ये नहीं बोलूंगा कि यूनिट नंबर फर्स्ट खत्म हो गया, सेकंड खत्म हो गया, हम टॉपिक वाइज चलेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे। तो लगातार जो हम दो यूनिट पढ़ेंगे उसमें मैं बीच में जिक्र नहीं करूंगा कि यूनिट नंबर दो हो गया या फिर यूनिट नंबर एक हो गया, ओवरऑल कंप्लीट होगा तो मैं बताऊंगा कि ये हमारा यूनिट खत्म हो चुका है। देन हम हिल्बर्ट स्पेस के ऊपर जाएंगे, हिल्बर्ट स्पेस के बाद हम ऑपरेटर थ्योरी को आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, 32 नंबर का यूनिट है और 32 नंबर हमको पूरा में पूरा पाना है, याद रखिएगा। अगर कोई बच्चा ये दो यूनिट या फिर 5 से 7 क्लास जो अभी हम करने वाले हैं, 5-7 क्लास वगैरह ले देके, है ना, तो उसको अगर कोई कवर कर लेगा तो आराम से एग्जाम में पास होगा, अच्छे नंबर से पास होगा। चलिए ओपन मैपिंग थ्योरम को अपन देखते हैं। ओपन मैपिंग थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, जो हमने कहा है वही लिखा गया है यहाँ पर। एक्स और वाई दो बनाच स्पेस है और टी कोई कंटिन्यूअस मैपिंग या फिर उसको बोलेंगे बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आपको याद होगा बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या प्रूव करे थे,
कंटिन्यूअस ही होता है वो, है ना, कंटिन्यूअस होता है, वन वन होता है, ऑन टू होता है, सभी होता है, फिर भी हमें अब हमको अलग तरीके से दिखाना है ना, बाइजेक्टिव मैपिंग होता है, ये बात कभी भूलना नहीं है। कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कंटिन्यूअस भी होता है, वन वन भी होता है और ऑन टू होता है, अर्थात बाइजेक्टिव होता है, भूलना नहीं है आप लोग को। तो चलिए ये बात हम कवर करने वाले हैं, फिर से मैं स्टेटमेंट दोहरा रहा हूँ, एक्स और वाई दो ब्रांच स्पेस हैं, टी कोई कंटिन्यूअस मैपिंग है या फिर बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम एक्स टू वाई और मैपिंग ऑन टू है ये भी पता चल गया, देन जो ये मैपिंग टी है वो ओपन मैपिंग होगा ये प्रूव करना है, अर्थात ओपन सेट अगर हम एक्स पे लेते हैं तो वाई में भी उसका इमेज ओपन बनेगा। वेरी इजी, सबसे इजी क्वेश्चन है ये, है ना, लेकिन कुछ अलग अलग बुक में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है। तो एक थ्योरम को प्रूव करने के कई तरीके हो सकते हैं, दो हो सकता है, चार हो सकता है, वो तो लॉजिक के ऊपर डिपेंड करता है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करता है। क्या एक थ्योरम को दो तरीके से प्रूव नहीं किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, ठीक है। तो आपका जो लॉजिक है, या फिर लॉजिक ना बोलें कॉन्सेप्ट बोलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कॉन्सेप्ट आपका किसी प्रकार के मैथमेटिकल रूल का जो है उल्लंघन नहीं करना चाहिए, तभी जाके आप बोलेंगे कि हम जो सोच रहे हैं वो सही है और 100% हम इसको कवर करेंगे। बहुत सिंपल है, एक्स और वाई दो ब्रांच स्पेस है, जैसा थ्योरी में लिखना है वो तो शुरुआत करना है, जैसा स्टेटमेंट वैसा उसका प्रूफ। एक्स और वाई दो ब्रांच स्पेस है, एक ट्रांसफॉर्मेशन जो है एक्स से वाई पर वो कंटिन्यूअस ट्रांसफॉर्मेशन है या फिर बोलेंगे लीनियर बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। वी हैव टू शो दैट दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज, है ना, इज एन ओपन मैपिंग। क्या होगा ये? एक ओपन मैपिंग होगा, ये हम प्रूव करेंगे। ओके, ठीक है, चलिए। फॉर दिस हमने क्या कर लिया, इट इज सफिशिएंट टू शो दैट, जैसा थ्योरी में लिखा था कि भाई किसी चीज को ओपन बताने का ये तरीका होगा कि आप डोमेन में अगर कोई ओपन सेट लेते हो तो को डोमेन में भी क्या बनना चाहिए, उसका ओपन इमेज एग्जिस्ट करना चाहिए, मैंने वही लिखा हुआ है। तो ये आप इमेज के साथ यहां तक तो कवर कर ही लेंगे, स्टेटमेंट साथ में आएगा, प्रश्न पूछेगा ओपन मैपिंग थ्योरम को लिखो प्रूव करो, तो आपका एक पेज लगभग इसी तरीके से कवर हो जाती है, है ना। और बड़ा प्रश्न आएगा तो आप जो है चीजों को और एक्स्ट्रा लिखिएगा। मान लो प्रश्न आता है 8 नंबर में, ओपन मैपिंग का मतलब समझाइएगा, कंटिन्यूअस मैपिंग का मतलब समझाइएगा, रिक्वायर्ड डेफिनेशन को लिखिएगा, है ना, देन आगे हम बढ़ेंगे। तो देखिएगा, आपने कहा है कि जी ओपन सेट है कहां पर, एक्स पर, बाई ओपन सेट आपको पता होना चाहिए। ओपन सेट मतलब क्या? ओपन सेट का मतलब किसी स्पेस में ओपन सेट उसे कहते हैं जिसका हर एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो, या फिर ये कहते हैं कि एक ऐसा ओपन स्फीयर ड्रा किया जा सके उसके अंदर अगर पॉइंट एक्स को सेंटर माना जाए तो वो पॉइंट उसके अंदर से बाहर नहीं आना चाहिए, अर्थात वो पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर इमेज में बताया हुआ है। एक सेट को ओपन सेट कहते हैं यदि उसके अंदर एक ओपन स्फीयर ड्रा किया जाए और उसका सेंटर क्या माना जाए, उस एक्स को माना जाए और रेडियस आर आप छोटा छोटा ले सकते हो, देन हम इस स्थिति में हम सेट को ओपन सेट कहते हैं और उसके पॉइंट को इंटीरियर पॉइंट कहते हैं। तो वही डेफिनेशन लिखा है हमने कि बाई डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट जितने भी पॉइंट होंगे जी का वो हर एक पॉइंट क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट होगा। जैसे कि एक्स को ले लिया तो एक्स किसी स्फीयर के अंदर जाएगा जिसका सेंटर वो एक्स खुद होगा और कंटेन हो जाएंगे जी के अंदर। ऐसे चीज़ों को हम कहते हैं क्या, ओपन सेट का डेफिनेशन। अगर आपने बीएससी फाइनल अच्छा पढ़ा है तो मैट्रिक स्पेस का डेफिनेशन में ओपन स्फीयर हिंदी में कहते हैं हम लोग क्या, समवृत्त गोलक, विवृत्त गोलक। तो विवृत्त होता है, समवृत्त मतलब क्लोज्ड स्फीयर होता है, तो वहां पर डेफिनेशन आप देखेंगे तो यही मिलेगा और ऐसे ही हमने पढ़ा है। और टोपोलॉजी में हम लोगों ने इसको कोई सेट ए वगैरह या फिर जी वगैरह बोलते थे, यहाँ पर ए बोलते थे यहाँ पर जी, अर्थात ए को ओपन बोलेंगे यदि जी ओपन स्फीयर ड्रा किया जाए, ओपन बॉल ड्रा किया जाए, ओपन सेट बनाया जाए, आप जो भी कह सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। ये डेफिनेशन आपको अच्छे समझ आया है बच्चों? सम टाइम हम इसको इस प्रकार से भी एक्सप्लेन करते हैं, ओपन स्फीयर को लिखते कैसे हैं, एक्स सेंटर है, ये स्फीयर है जिसका रेडियस आर है, ऐसे भी लिख सकते हो, तो ये बात रहना चाहिए दिमाग में। तो मैं इसको क्लियर कर रहा हूं क्योंकि इधर मेरे को छोटा सा और इमेज ड्रा करना है। बच्चों एक्स को आपने किसके अंदर लिया है, आपने लिया है उसको जी के अंदर। तो एफ अगर मैं मैपिंग करता हूं तो x का इमेज क्या बनेगा, x का इमेज बनेगा tx बनेगा, क्या बनेगा tx बनेगा। g का इमेज क्या बनेगा, tg बनेगा, ये बात पता है आपको, तो वैसे लिख दिया। अगर x g का एलिमेंट है
तो tx एलिमेंट tg का एलिमेंट होगा। बड़ा सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों आगे बढ़ने के लिए हमें एक लेम्मा की आवश्यकता है, इस लेम्मा को प्रूफ नहीं करना कोई जरूरत नहीं है, आसानी से लिखा जा सकता है। तो लेम्मा क्या कहता है, आप चाहे तो प्रूफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेम्मा ये कहता है कि x और y दो बनाच स्पेस यदि हैं और t कोई कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कहां से x से y पर, तब आपके पास जो इमेज होता है, इमेज किसके, ओपन स्फीयर का, मतलब इधर का ओपन स्फीयर का इधर इमेज बनेगा, वो ओपन स्फीयर के अंदर और छोटा एक ओपन स्फीयर कंटेन कर जाते हैं, है ना, वही ओरिजिन, वही सेंटर, वही रेडियस तो नहीं बोलेंगे, उससे कम रेडियस का। अर्थात यहां पर मेरे पास मान लो y है, y के अंदर ये देखिएगा g ओपन सेट है, है ना, तो यहां से आप क्या बनाएंगे, सबसे पहले तो tg बना देंगे, ओके, क्या बनाएंगे आप, tg बना देंगे। tg के बाद अगर ये ओपन स्फीयर है sr, तो एस आर के इमेज में क्या बनेगा, हम बोलेंगे सर इसको एस आर का टी एस आर बोल देते हैं, इसको क्या बोलेंगे, टी एस आर बोल देते हैं, टी एस आर, उसके अंदर भी आपको एक ओपन स्फीयर मिल जाना चाहिए, एक ओपन स्फीयर मिल जाना चाहिए, हम ये कह रहे हैं, यही तो लिखा गया है इस बात को, ठीक है। तो ये होता है, ये बात दिमाग में रखना है आपको, इधर से बनने वाला जो इमेज है उसके पर इस एक और ओपन स्फीयर होगा ही होगा, ठीक है। दिस इज क्लियर, अपन क्या कर लिए हैं, टी एस आर कोई ना कोई क्या करेगा, स्फीयर कंटेन करेगा। टी एस आर मतलब क्या, ये देखिए हमने लिख दिया टी एस आर, टी एस आर किधर बनेंगे, y के अंदर बनेगा, ये स्टेटमेंट के माध्यम से हमने ये कहा, दिस इज क्लियर, टी एस आर कंटेन सम स्फीयर जिसका नाम ले लिया हम लोगों ने एस डेस और आर वन लिख दिया, रेडियस अलग होगा मैंने पहले भी कहा है, जो कि कहां कंटेन हो जाएंगे, टी एस आर के अंदर कंटेन होगा, वही बात हमने लिखा हुआ है। बच्चों इसी बात को मैं ऐसे भी लिखूंगा, सेंटर को अगर आपने y मान लिया तो क्या होगा, y प्लस में एस आर डेस, ये ओपन स्फीयर होगा, क्या होगा, ओपन स्फीयर होगा, ये आपको ओपन स्फीयर दिख रहे होंगे, है ना, सिंपल सा लिख दिया, अर्थात हमने सेंटर y को कहा है, वही लिखा हुआ है कि अगर ये ओपन स्फीयर बना रहे हो तो उसका सेंटर क्या होगा, y होगा। मोर ओवर इससे ये बात क्लियर हो जाती है, जब भाई आपका ये यहां कंटेन होता है तो y प्लस में अगर मैं दोनों साइड में इस एलिमेंट का जिक्र करूं तो y प्लस और y प्लस इधर दिखना पड़ेगा, अर्थात इस वाले इक्वेशन अगर नाम देना होता तो दे दिए होते, कोई दिक्कत नहीं, इसी को देख के हमने लिखा हुआ है, ये एस आर जिसका सेंटर y है और इधर भी, वो इस टी जी के अंदर तो होगा ही होगा, हुआ है बिल्कुल होगा, तो वही बात हम लिख रहे हैं अर्थात उसका जिक्र कर रहे हैं। तो ये बात, ये लाइन समझ आई होगी आप लोग को, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो मैं टी एक्स को क्या बोलता हूं, देखो टी एक्स इक्वल टू मैं वाई कंसिडर कर सकता हूं, ले सकता हूं, आप मान लीजिएगा ज्यादा अच्छा होगा, एंड लेट करके यहां पर लिखना चाहिए था हम लोग को, है ना, यहां पर एक लाइन लिख देता हूं, दिस इंप्लाइज दैट वाई बिलोंग्स टू टी जी वेयर वेयर, आपके पास ये जो वाई है, y का मतलब होता है tx, y का मतलब क्या होता है, tx होता है, tx को हमने दूसरा एलिमेंट y के रूप में माना हुआ है, ये दिमाग में होना चाहिए। तो अगर बच्चों इसको मैं क्या बोलूंगा, tx बोलूंगा, तो tx बोलूंगा, ये बात क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर मैंने छेड़छाड़ कुछ नहीं किया है। tt को बाहर निकाला जा सकता है क्या, अंदर रखा जा सकता है क्या, बोलेंगे बिल्कुल रखा जा सकता है, किससे, बाय डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी या फिर बाय डेफिनेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियरिटी की प्रॉपर्टी होगी होगी, तो लीनियर के कारण से ये आप टी को अंदर रख भी सकते हो, बाहर निकाल भी सकते हो, अर्थात ये जो है कंपोजिशन को प्रिजर्व रखता है, ये कहते हैं, वही बातें चल रही हैं। तो हमने टी को बाहर निकाल दिया, एक्स प्लस में क्या बन गया, एस आर बन गया, ये बात भी एकदम क्लियर है। बच्चों इसको ध्यान से देखो, ये क्या है, जितने लोग भी क्लास ज्वाइन करते हैं, ऑनलाइन वीडियो देखते हैं, जिस भी समय वीडियो देख रहे होंगे, उनको मैं आगाह करना चाहता हूँ, हल्के में चीज़ों को लेकर पढ़ना नहीं चाहिए, पहली बात, और आप उसको ध्यान से देखें समझें, तब मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, आपको याद होना भी चाहिए, है ना, पढ़ रहे हो कुछ और कर रहे हो तो क्योंकि कोई मतलब नहीं है उसका, नोट्स बना लिया उसको छाप के आ जाओगे, है ना, लेकिन एग्जाम टाइम तो प्रेशर रहेगा, तो प्रेशर को हटाने का सबसे अच्छा तरीका क्लास ज्वाइन करते हुए आपको इन्वॉल्व होना है अच्छे से।
ठीक है, तो चलिए ये बात समझ आ गया होगा, हमने टी को बाहर निकाला है। क्या इसके संबंध में कोई जानकारी है आपके पास? इसको क्या कहते हैं? एक स्फीयर जिसका सेंटर क्या है, एक्स है। एक स्फीयर जिसका सेंटर क्या है, एक्स। मैंने कहा भी था आपको एस आर एक्स को क्या लिखते हैं हम लोग, कभी एक्स प्लस में एस आर ओनली भी लिखते हैं। इसका मतलब होता है एक्स सेंटर है उसका और एस आर में आर रेडियस है उसका। समझ आया? तो आपको तो पता ही होना चाहिए था कि ये किसके अंदर कंटेन होता है, ये किसका सबसेट है। ये अगर आप ध्यान से देखो तो इसको देखो, इसको मैंने लिखा हुआ है, ये सबसेट होता है जी का, अर्थात ये सबसेट होता है किसका, जी का। मैंने अभी लिखा था ना, इसी को ये बोला जाता है। ये किसके अंदर कंटेन होता है, जी के अंदर कंटेन होता है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये लिखा था मैंने अभी, ध्यान से देखो, एस आर एक्स या फिर इसको एस आर प्लस में एक्स लिखा, किसका सबसेट भाई, सबसेट है किसका, जी का। अगर मैं यहां पर टी लगा दूं तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस में एस आर सबसेट क्या हो जाएगा, टी जी का हो जाएगा। मतलब टी जी सुपरसेट है, टी जी क्या है, सुपरसेट है। इसका सुपरसेट ये, इसका सुपरसेट टी जी, तो इस पूरे का सुपरसेट क्या रहेगा, टी जी रहेगा। समझ आया कि नहीं? कुछ चीजें यहां पर नहीं लिखा है, उसके बदले मैंने फर्स्ट एंड सेकंड लिखा है। आपका मर्जी है लिखने का तो आप लिखिएगा, चीजों को आप बड़ा करना चाहते हैं तो बिल्कुल लिखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। ठीक है, तो समझ आ गया होगा, समझ नहीं आता है तो वीडियो रिपीट करके जरूर देखें। प्यारे बच्चों अब ध्यान से देखो, यहां से एक कहानी निकलती है। क्या है कहानी, क्या है ये कहा जा रहा है कि भैया ये इसके अंदर कंटेन हुआ, मतलब वाई सेंटर है इस स्फीयर का जो कि कंटेन हो जाता है टीजी पर। अब आप डेफिनेशन को मिलाकर देखो, अगर ये ओपन सेट था तो उसके अंदर एक स्फीयर था और स्फीयर के लिए एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट था। यहां पर सेम टू सेम इसके जैसे ही लिखा गया है, अर्थात वाई एक पॉइंट है जिसके लिए स्फीयर बनाया गया और टीजी पर जाके सारी चीजें कंटेन हो गई। अर्थात एक ओपन स्फीयर जिसका ड्रा किया आपने, फॉर ऑल वाई जो दिख रहा है वो आपका इंटीरियर पॉइंट है इस ओपन सेट। देखिए ओपन स्फीयर, ये ओपन स्फीयर है एंड वाई जो होगा उसका क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट होगा इस टीजी का। कहां पर? इन वाई पर। ये सभी चीज कहां पर है, वाई पर। अर्थात आपने ये प्रूव कर दिया कि इसके पास इंटीरियर पॉइंट है और सभी पॉइंट जो y लिया जाएगा वो सभी इंटीरियर पॉइंट होगा। और जो इंटीरियर पॉइंट रखता है उस सेट को हम क्या कहते हैं, ओपन सेट कहते हैं। क्या कहते हैं, ओपन सेट कहते हैं। यदि अगर वो ओपन सेट ना रखे तो जस्ट ओपन सेट के कॉम्प्लीमेंट को क्लोज सेट कहा जा सकता है, कहा जा सकता है क्या कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये बातें समझ आ गई होंगी, अच्छे से आपने माइंड में इसको सेट कर लिया होगा। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में सेट कर लेनी है, एग्जाम के लिए जो है 5 मिनट रिवीजन कीजिएगा और तैयारी करके जाइएगा। बाद में तैयारी करने से अच्छा है लिखते हुए एक बार तैयारी करें। ठीक है, ओके, तो मैं फिर से आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट मेरा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्या इंपॉर्टेंट थ्योरम, स्टेटमेंट को पहले पढ़ लीजिएगा। मैं स्टेटमेंट को अगर याद कराऊं ऑब्जेक्टिव के लिए, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उसमें 10 ऑब्जेक्टिव पूछते हैं 20 नंबर का, एक ऑब्जेक्टिव 2 नंबर का होता है, मतलब काफी अच्छा इसका वेटेज है ना, 3 सेक्शन में क्वेश्चन बटा होता है। ऑब्जेक्टिव के लिए इस स्टेटमेंट का उपयोग कर सकता हूं मैं, सिंपल सा। ये कहने वाले हैं कि एक्स और वाई दो अगर आपके पास क्या है, स्पेस है, जिसमें से एक्स आपका बनाच स्पेस है अर्थात कंप्लीट स्पेस है, वाई बनाच है या नहीं है मेरे को नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि वो कोई नॉर्मल लीनियर स्पेस है। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं मैं, ध्यान से समझिएगा, एक्स एक बनाच स्पेस है और वाई क्या है आपका, नॉर्मल लीनियर स्पेस है। तो एक मैपिंग अगर हम टी डिफाइन करें और टी अगर ओपन सेट हो, सॉरी ओपन मैपिंग हो, तो ओपन मैपिंग सदैव ये सेट, ये स्पेस जैसा है वैसा इधर भी इम्प्लाइज करेगा। अर्थात आपको ये कहना है अगर एक्स बनाच स्पेस है तो पक्का वाई बनाच स्पेस बनेगा ही बनेगा, या फिर कंप्लीट स्पेस बनेगा ही बनेगा, या फिर बोलेंगे कॉम्पैक्ट स्पेस, क्योंकि एवरी कंप्लीट स्पेस इज कॉम्पैक्ट स्पेस। तो इस प्रकार से आपको घुमाया जा सकता है। स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा क्या है स्टेटमेंट। टी बी बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम बनाच स्पेस एक्स ऑन टू नॉर्मल लीनियर स्पेस वाई, नॉर्मल लीनियर स्पेस वाई पर, या फिर बोलेंगे एक्स से वाई पर, जहां पर एक्स बनाच स्पेस है और वाई क्या है, नॉर्मल लीनियर स्पेस है, जिस पर टी जो है मैपिंग है, बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना। देन ओपनेस ऑफ टी, बोला ओपनेस ऑफ टी मतलब क्या,
अगर टी मेरा ओपन रहा तो, है ना, मतलब उसकी प्रॉपर्टी, उसका गुणधर्म। ओपनेस ऑफ टी इंप्लाइज कंप्लीटनेस ऑफ वाई, टी का ओपन होना वाई के लिए यह जिम्मेदार होगा कि वाई को कंप्लीट कर दे, या फिर बोलेंगे टी का ओपन होना यह बताएगा कि वाई भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट होगा जिस प्रकार से एक्स था। बनाच स्पेस मतलब क्या, कंप्लीट स्पेस। हर कंप्लीट स्पेस क्या होता है, कॉम्पैक्ट होता है। आप सिक्वेंसली कॉम्पैक्ट दिखा सकते हो, छोटा सा सिक्वेंस लेके इसको प्रूफ कर सकते हो, कई तरीके से प्रूफ कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों, क्या हमने ये नहीं पढ़ा है, हम पढ़ चुके हैं, बस प्रूफ करने के लिए ओपन मैपिंग की आवश्यकता बस एक्स्ट्रा आएगी, जबकि हम ऐसे थ्योरम पहले भी बना चुके थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको कवर करते हैं। स्टेटमेंट हमने जो लिखा था उसी का मिलता जुलता जो भी निचोड़ था हमने लिखना स्टार्ट कर दिया। एक्स क्या है, बनाच स्पेस है, या फिर कंप्लीट नॉर्मल स्पेस को ही बनाच स्पेस कहते हैं। वाई क्या है, एक नॉर्मल स्पेस है, एंड और हमने लिखा है कि एक मैपिंग डिफाइन किया गया है एक्स वाई जो कि बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, अर्थात टी बिलोंग्स टू, ये नोटेशन किसका है, बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का है। मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं टी ओपन है, देन वी हैव टू शो दैट वाई कंप्लीट या फिर कॉम्पैक्ट स्पेस होगा। यही तो कथन था इसका कि भाई एक्स से वाई पर मैपिंग है जिसमें से एक कंप्लीट स्पेस या फिर बनाच स्पेस है, तो मेरे को ये प्रूव करके दिखाना है यदि मेरा टी ओपन मैपिंग है तो वाई आगे चलकर एक कंप्लीट स्पेस बन जाना है उसको, या फिर कॉम्पैक्ट स्पेस बन जाना है उसको, या फिर बनाच स्पेस बन जाना है उसको। तो तीन तीन नाम दिया जा सकता है, कंप्लीट स्पेस ही बनाच स्पेस कहलाता है और हर कंप्लीट स्पेस कॉम्पैक्ट स्पेस ही होता है, यदि और केवल यदि शर्त को लेकर चलता है, अर्थात हर कॉम्पैक्ट कंप्लीट होगा, हर कंप्लीट कॉम्पैक्ट होगा। बात क्लियर है, ये आप अच्छे से दिमाग में सेव कर लो, इसको हम फटाफट यहां प्रूफ करने वाले हैं। वाई को कंप्लीट दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, एक सीक्वेंस लेंगे जिसे कोहे सीक्वेंस बता के हम बताएंगे कि ये कोहे सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट है, और जिसके पास कोहे सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है वह स्पेस सदैव क्या होता है, कंप्लीट होते हैं। तो अपन लेकर चलते हैं, लेट yn बी अ सीक्वेंस इन y। तो यहाँ पर हमने जो सीक्वेंस लिया है उसको मैं कोही सीक्वेंस मान के चल रहा हूँ, ज़्यादा अच्छा होगा। ये कोही सीक्वेंस लिया हम लोगों ने, और कोही सीक्वेंस की क्या कंडीशन होती है, किसी सीक्वेंस को कोही सीक्वेंस कहेंगे तो उसके अंदर के कोई भी दो टर्म्स को लेंगे तो उसके बीच की डिफरेंस बहुत ही कम होती है, लेस देन एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन को हमने क्या लिख दिया है, 1/2 के पावर में के लिख दिए हैं। तो इसको ध्यान में रखना, यहाँ पर yn k प्लस 1 लिखा हूँ तो इंडेक्स इसको देख के मैंने यहाँ पर k लिखा हुआ है, ठीक है, अर्थात k प्लस 1 है तो मैंने k लिखा है, या फिर इधर का इंडेक्स k है तो k लिखा हूँ, इधर एक ज़्यादा होगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, स्टूडेंट्स आप जानते हो t अपने पास क्या है, ओपन है। तो ओपन के लिए थोड़ा सा और हम वेरीफाई कर रहे हैं चीज़ों को, थोड़ा और समझ रहे हैं कि भाई हमारे पास नॉर्म में और किस प्रकार से इनको डिफाइन कर सकते हैं, इस बात को हम क्लियर कर रहे हैं। स्टूडेंट्स एक थ्योरम है थोड़ा सा, अगर टी ओपन है देन वी नो दैट टी इज ओपन इफ ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ लैम्डा इज ग्रेटर देन 0 सच दैट वाई बिलोंग्स टू वाई, देयर इज एक्स बिलोंग्स टू एक्स सच दैट टी एक्स इक्वल टू क्या होता है, टी एक्स इक्वल टू होता है वाई। और ये जो आपका नॉर्म अगर हम इस पर लगा दें, है ना, और वो टी को प्रिजर्व कर लेगा और कुछ इस प्रकार से होगा, नॉर्म एक्स इज लेस देन और इक्वल टू लैम्डा इनटू नॉर्म वाई। ये थ्योरम ही है, ये ऑब्जेक्ट में पूछा जा सकता है, ये छोटा सा लिम्मा है, बीच बीच में आते रहते हैं, इन सभी का प्रूफ जो है बुक में भी ढूंढ सकते हो, मिल जाएगा। अकॉर्डिंग टू एवो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम क्या करेंगे, एक जिस प्रकार से लैम्डा उठाए हैं वही उसी प्रकार से हम क्या ले रहे हैं, जैसे हमने अगर टी को ओपन कहा तो हम जो है इस पर वाई के सीक्वेंस के लिए अभी बात नहीं कर रहे हैं, उसके संबंधित जो और टर्म्स आएंगे उसके लिए हम इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराना चाहते हैं, कंडीशन सेटिस्फाई कराएंगे। देखिएगा, अकॉर्डिंग टू अबव कंडीशंस देयर एग्जिस्ट, जिस प्रकार से लैम्डा था हम एन ले रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन नहीं लेना, ये कोई नंबर है। सबसे शुरुआत करते हैं टी एक्स के इक्वल टू सच दैट, कैसा लिया गया है इस टी एक्स के को, इमेज है एक प्रकार का, भविष्य में ये वाई बनेगा नहीं बनेगा हम कहने वाले हैं, दिखाने वाले हैं।
अच्छा एक्स एन या एक्स के के अंदर से ही एक्स सॉरी एक्स एन के अंदर से एक्स के निकला है, एक्स एन आपका कोसाइन सीक्वेंस होगा, भूलना नहीं, क्यों, क्योंकि एक्स आपका कंप्लीट स्पेस है, इसको मैंने लिया, इसमें किसी को आपत्ति तो नहीं होना चाहिए। किस प्रकार से लिया है ये बात क्लियर है कि भाई हमने कुछ माना है, अब ये कोहे सीक्वेंस है या नहीं है इसको हम वेरीफाई कर रहे हैं, कोहे सीक्वेंस है यही वेरीफाई करना हमको। देखिएगा अगर मैं इस कंडीशन को अप्लाई करता हूं, जैसे एक्स के लिए हो रहा था वही काम जो है एक्स के लिए होगा, नॉर्म लगा दिया, यहां एन लिखना पड़ेगा, इस पूरे पर क्या लगाना पड़ेगा, नॉर्म लगाना पड़ेगा, वाई होता था तो वाई लिखना पड़ता था, लेस देन और इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू हमको लिखना पड़ेगा, तो हमने लिखा हुआ है एक्स के कहां से आएगा, कैपिटल एक्स से आएगा। ये क्या काम चल रहा है, वेरिफिकेशन है केवल और केवल, हो सकता है आप एग्जाम में इसको थोड़ा सा स्किप करना चाहो, मान लो छोटा प्रश्न के रूप में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो, है ना, आप डायरेक्टली यहां से जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं उसको आप शुरुआत कर सकते हो, ठीक है, फिर भी अपन करके दिखाते हैं, बुक में ये मिलेगा आपको। तो अगर मैं समेशन लगा दूं तो दोनों ओर समेशन भी लग जाएगा, ये बात क्लियर है, समेशन लग जाएगा, इनफाइनाइट टर्म्स की सीरीज बनाने वाले हैं इसको लेकर। अगर इसको आप क्या करेंगे, इसको खोलेंगे मान लो, तो क्या आएगा, एक बार जो है आप के की जगह वन रखेंगे, टू रखेंगे, थ्री रखेंगे, फोर रखेंगे, ऐसे तो मिलेगा, अगर आपने वन रखा तो क्या मिल जाएगा, टू, यहां पर क्या मिल जाएगा, वाई एन वन मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, अगर आप यहां पर टू रखते हो तो k प्लस वन मतलब थ्री हो जाएगा, y टू हो जाएगा, ऐसे बढ़ता रहेगा, अगला टर्म क्या होगा, नॉर्म में y n फोर माइनस में y n थ्री मिलेगा। क्या बच्चों आप इक्वेशन नंबर यहां लिख दीजिएगा फ्रॉम वन, यहां से आप ध्यान से देखो, यदि k प्लस वन है तो यहां पर क्या लिखा गया है, वन अपॉन टू की पावर में k लिखा गया है, या फिर इस के को देख के लिखो, है ना, क्या लिखा गया है कि वहां पर आपने नंबर देखा तो उससे क्या समझ आया, आप बोलेंगे कि देखिए सर यहां पर के रखना था यहां पर, आप देख पा रहे हो अगर यहां पर जो नंबर है वही पावर में है तो यहां पर जो नंबर होगा वही टू के पावर में होगा, वन अपॉन टू की पावर के होना चाहिए था, के होगा तो के, यहां पर वन है तो वन लिख दिया, यहां पर टू है तो वन अपॉन टू की पावर टू लिख दिया, अगले वाले वन अपॉन थ्री की पावर टू की पावर थ्री लिख दूंगा। आप जानते हो ये एक जीपी है, क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, गुणोत्तर श्रेणी है, इस गुणोत्तर श्रेणी का हल क्या होता है, इस गुणोत्तर श्रेणी का मान कितना होता है, बोलेंगे सर गुणोत्तर श्रेणी का मान इनफाइनाइट टर्म्स तक लिखा है इसको, ये बात भूलना नहीं है, इसका वैल्यू वन आता है, आपको करके दिखाते हैं, सिंपल से समझिएगा, ठीक है, ये जो है मैं क्लियर कर देता हूं और इधर मैं लिखने वाला हूं इस पूरे बात को, ठीक है, ओके। देखिए स्टूडेंट्स, इस जीपी का वैल्यू वन होता है, बिल्कुल 100% जीपी के लिए फार्मूला क्या होता है, इनफाइनाइट टर्म्स तक अगर आप उसको ऐड करते हो तो ये आप लिख दिया आपने एस इनफाइनाइट ए फर्स्ट टर्म वन माइनस में आर, ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है, किसका, गुणोत्तर श्रेणी का, जीपी का। तो प्रथम पद क्या है इसमें, वन अपॉन टू, ठीक है, ऊपर में रहेगा ए के जगह में, ए प्रथम पद है, और आर को क्या बोलते हैं, आर को बोलते हैं कॉमन रेशियो, क्या कहते हैं, सर्व अनुपात कहते हैं। तो इसको इससे डिवाइड करोगे, मतलब इसको ऊपर में रखना है, इसको नीचे में रखना है, इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, वन बाय टू, आगे वन बाय टू की पावर टू को डिवाइड करोगे किससे, वन अपॉन टू की पावर थ्री से, इससे डिवाइड करोगे तो भी क्या आएगा, वन बाय टू, हर बार रेशियो क्या बचेगा, वन बाय टू, आर निकल गया आपका, आर क्या आएगा, वन बाय टू, अच्छे से समझ लीजिए। तो यहां पर हाफ है, यहां पर हाफ है, हाफ को आपने वन से घटाया है वह, तो हाफ बचेगा, तो वन अपॉन टू ऊपर में, वन अपॉन टू ऊपर में, नीचे में भी, तो इस प्रकार से वन बन जाएगा, तो हमने वन लिखा है, और ये क्या है, फाइनाइट है, और फाइनाइट ही लिखना होता है। तो ये अगर ये फाइनाइट सीरीज बन पा रहा है, आप फाइनाइट सीरीज यहां पर ले सकते हो, फाइनाइट सीरीज नहीं बोलना चाहिए, सॉरी, ये पूरा समेशन फाइनाइट है, मतलब ये क्या है, कन्वर्जेंट है, ये क्या है, कन्वर्जेंट है। अगर ये कन्वर्जेंट है, इससे ये समझ आ रहा है कि भाई एक्स एन तो कोहे सीक्वेंस था, कहां पर, इनकम्प्लीट स्पेस पर, सो दैट हर बार इसकी सीरीज का भी क्या मिलेगा, कन्वर्जेंट पॉइंट एक्स मिलेगा ही मिलेगा, तो मैंने वही लिखा हुआ है यहां पर, है ना। और अगर टी एक्स लिखूंगा तो टी एक्स भी इस किसी का क्या होगा, कन्वर्जेंट पॉइंट होगा। तो ये बात क्लियर हो गई, दिस इज क्लियर, मैं एक बात को लिख देता हूं, दिस इज क्लियर, क्या क्या क्लियर कर दिया आपने, एक्स एन कहां कन्वर्ज होता है, वो होता है एक्स पर, और एंड एंड क्या कर लिया आपने, मान लिया एक तो टी एक्स का वैल्यू क्या बोला था आपने, वाई, ठीक है, और आप टी एक्स एन को आप क्या बोलना चाहते हो, ये पूरा जो है वो है आपका वाई एन,
है ना, ये क्या है yn, ये कहां पर है ये y के अंदर है, ठीक है। तो ये बात एकदम क्लियर है, आपको समझ आता है ना स्टूडेंट्स, आप ये क्लियर करके लिखेंगे बार, सिंस सिंस xn इज कन्वर्जेंट कोहेरेंट सीक्वेंस बोल सकते हो, या फिर बोलूंगा सिंस x इज अ बनाच स्पेस, बनाच स्पेस, ये बनाच स्पेस है, सो दिस इंप्लाइज दैट एवरी कोसी सीक्वेंस क्या है कोहेरेंट सीक्वेंस, एवरी कोसी सीक्वेंस xn इज कन्वर्जेंट, xn क्या होगा कन्वर्जेंट, या फिर मैं इसको क्या लिखूंगा xn का लिमिट ये हो जाएगा n टेंस टू इनफाइनाइट xn जो है इक्वल टू क्या आएगा x आएगा, ये हम लिखने वाले हैं, दोनों साइड हमने क्या लगा दिया t मैपिंग कर दिया, लिमिट ये n टेंस टू इनफाइनाइट और ये xn इक्वल टू क्या हो जाएगा tx हो जाएगा, ठीक। ये इससे संबंधित क्या है, अगर मैं इसको लिमिट निकालूं अर्थात इसको कितना बार जोड़ना है कितना बार घटाना है ऐसे भी बोल सकते हो, पूरा मिला के ऐसे भी लिख सकते हो इसको, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, आप जानते हो मैपिंग पर लिमिट जो है प्रभाव नहीं डालता, आप इसको लीनियर प्रॉपर्टी कारण से, क्योंकि टी क्या है टी बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, लिमिट मतलब क्या होगा किसी चीज को सुप्रीम या फिर इन्फीम करना एक प्रकार के मैथमेटिकल प्रक्रिया हो सकती है, जैसे कि यहां सीरीज के रूप में इसको बता रहे थे, या तो इन्फीम होगा सुप्रीम होगा कुछ तो लिमिट आएगा भाई, तो ये जो है अंदर भी रखा जा सकता है, चुपचाप ऐसा लिख सकते हो इज इक्वल टू क्या है टी एक्स को क्या बोल दीजिए आप वाई बोल दीजिए, सब चीज कहां पर है इन वाई। तो आप ध्यान से देखो बच्चों, इसको मैं क्या लिखने वाला हूं लिमिट और ये एन टेंस टू इनफाइनाइट वाई एन कहां पर कन्वर्ज होगा वाई पर कन्वर्ज होगा, मैं यहां लिख दूंगा क्लियर कि बोलूंगा कि कोसी सिक्वेंस वाई एन इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, क्या है ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है कहां पर इन y पर, तो y क्या होगा पक्का y इज कॉम्प्लीट स्पेस, क्या होगा ये कंप्लीट स्पेस हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा लिख लीजिएगा y कंप्लीट क्यों हुआ, क्योंकि इसके पास जो आपने सीक्वेंस लिया था कोहेरेंट सीक्वेंस, वो कोहेरेंट सीक्वेंस क्या है वो कोहेरेंट सीक्वेंस है कन्वर्जेंट सीक्वेंस, जिस भी स्पेस के पास कोहेरेंट सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है वह स्पेस क्या कहलाता है कंप्लीट स्पेस कहलाता है स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से आपको समझ आया होगा कि कंप्लीटनेस को कौन इंप्लाइज करता है ओपननेस, अगर आपने ओपन है ये नहीं बोला होता तो ये कंडीशन नहीं लिख पाते तो आप यहां तक नहीं पहुंच पाते, ये रिजल्ट ही बताया कि हम जो है किसी प्रकार से एक्स एन का इमेजों को या फिर किसी प्रकार से उसका सीक्वेंस बनाएंगे वो भी कन्वर्जेंट होगा, ये रिजल्ट तक हम पहुंच पाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये थ्योरम भी आपको समझ आया होगा, वीडियो रिपीट कीजिएगा बार बार समझिएगा बार बार पढ़िएगा और याद रखिएगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही स्टूडेंट्स, इतना कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ, जय हिंद वंदे मातरम जय छत्तीसगढ़।